हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ की कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन, 6p² - 5p - 6 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। 6p² - 9p + 4p - 6 = 0, तो ये हो जाएगा 3p कॉमन आ जाएगा, 3p कॉमन, अंदर आएगा 2p, 2p - 3 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा 2p - 3 = 0, तो हो जाएगा 3p + 2 और 2p - 3 = 0, तो इसका p बराबर हो जाएगा -2/3 और 1p बराबर हो जाएगा 3/2। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण x² - 5x + 7 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए d बराबर b² - 4ac, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस पांच का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 × a कितना है 1 × c कितना है 7, तो 5 - 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 - 7 = 28, तो ये हो जाएगा माइनस का होने के बाद मूल अवास्तविक। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यदि d² + 1/d² = 18, तो d - 1/d का मान हो जाएगा 4। ये पूछा है d³ - 1/d³ का मान, तो इसका हो जाएगा 4 का क्यूब 64 प्लस है तो +3 × 4, तो 64 + 4 = 12, 76। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 18 सेमी व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्टक r + h बराबर कितना दे रखा है 330, 2 × 22/7 × r कितना है 5, कोष्टक 5 + h = 330, तो हो जाएगा 5 + h = 330 × 7/22 × 1/10, तो 0 से 0, 11 × 22 × 11 × 22 × 11 = 33, 7 = 21/2, 5 + h = 10.5, h = 5.5 सेंटीमीटर। पांचवा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद विक्रय मूल्य और 32% की एकल छूट मतलब 100% है उस पर 32% की छूट दे दी थी, कितना हो जाएगा 68%। 20% की 2% छूट मतलब 100 से 20% की छूट दिया, तो 80 पे 20% की छूट दिए 16 कम तो 64%, अंतर कितना हो गया 4% का, अंतर 4% का, पैसे में कितना का अंतर हो गया 25/4 × 100, तार से चला जाएगा ये 25 × 25 = 625 रुपये राशि। आगे देखिए स्टूडेंट्स छठवा क्वेश्चन, किसी समूह में पुरुष महिला और बच्चे शामिल है, यदि उनमें से 40% पुरुष है 35% महिलाएं हैं
और शेष बच्चे हैं तो उनका औसत वजन, तो अगर 100 है तो 40 पुरुष, 40% पुरुष मतलब 40 मेन, 35% वुमेन मतलब 35 महिलाएं, 40 और 35, 40 75 और 25% हो जाएंगे चाइल्ड, तो इनका औसत वजन 70 किग्रा, 60 किग्रा और 30 किग्रा, 40 और 70 2800, 60 और 35 3800 और 300 2100, 25 × 3 750, तो जाएगा 2800 2100 और 750, 0 5 7 8 15 और 1 16 का 6, हासिल की 1 4 1 5, इसमें 100 का भाग दे देंगे तो 56.50। आगे देखिए स्टूडेंट सातवां क्वेश्चन, यदि 40 अनुपात 35 समानुपात, 35 अनुपात अक्ष, तो ये हो जाएगा 35 × 35/40, तो 5 से 8 बार, 5 से 7 बार, 35 × 7, 35 × 7 245/8, 245/8, 245/8। आगे देखें स्टूडेंट्स आठवां क्वेश्चन, दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है, मतलब 100 से 25% अधिक लाभ पर बेच रहा है, 100 + 25 125 में, और 30% कम -30% मतलब 70, कितने का फायदा ले रहा है, 70 और 125 के बीच, 70 और 125 के बीच 55% का, 55 बटा किस पे, 70 पे इंटू 100, 0 से 0, 550/7, 7 × 7 49, 7 × 8 56, 78.57%। आगे देखें स्टूडेंट्स नौवां क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 32, उनमें से एक संख्या दूसरी से 18 अधिक है, तो योग a प्लस बी बराबर कितना, 32, a माइनस बी बराबर 18, तो दोनों में से बड़ी संख्या, तो a बराबर 32 + 18/2, 32 और 18 50/2, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 25। आगे देखिए दसवां क्वेश्चन, सरल कीजिए 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 × 3³, 3 × 9 = 27 √64 का हो जाएगा 8 × √ 9, तो ये चला जाएगा इससे 3 बार, ये चला जाएगा इससे 8 बार, 8 × 3 = 8 = 24। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा।